एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे स्टाइल कॉर्नर। और आज हम मिल रहे हैं काफी गैप के बाद, और उसके लिए मैं बहुत ही दिल से सॉरी बोलती हूँ आपको। वो इसलिए क्योंकि आप सबको पता है पहले मैं गई थी वेकेशंस पे, और वेकेशन से आने के बाद मेरे साथ थी कुछ कॉम्प्लिकेशंस। एक्चुअली आई हैड गॉल ब्लैडर स्टोन, सो मैं उसके लिए बहुत ही अनबेरेबल हो रहा था उसका पेन, तो अब मुझे उसके सर्जरी करानी पड़ी, और उससे ओवरकम होने में थोड़ा रेस्ट ले रही थी, उसी में इतना थोड़ा गैप हो गया। उसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगती हूँ। अब वीडियोस आएंगी, कंटिन्यू आएंगी, बिकॉज स्टिल आई एम रिकवरिंग, बट वीडियोस मैं ट्राई करूंगी कि जैसे हम पहले कंटिन्यूअसली डाल रहे थे वो डालेंगे। तो काफी गैप हो गया, हालांकि मेरे को वेकेशन से आए हुए, पर फिर भी आज का जो मैंने वीडियो बनाया है, जो भी मेरे पास अभी कुछ बचा है, जो भी मैं शॉपिंग करके लाई हूँ पेरिस से, पहले मैं आज आपको वो दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या शॉप करके लाई हूँ पेरिस से। और भी लाई हूँ मैं काफी चीजें जो कि ऑलरेडी मैं डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी हूँ जिसके लिए लाई थी, बट उसके अलावा मैं लाई थी ज्वेलरीज भी दुबई से, वो भी मैं आपको ट्राई करूंगी नेक्स्ट वीडियो में दिखाने का, नेक्स्ट वीडियो में बोलेंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या मैं गिफ्ट्स लाई थी और क्या क्या मैं अपने लिए लाई थी। काफी कुछ गिफ्ट मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, क्योंकि काफी गैप हो गया, तब तक मेरे पास अननेसेसरी रखना बेकार था, वो मैं दे चुकी, पर जो अभी मेरे पास बचा है स्टिल मैं वो आपको दिखा सकती हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में, देखते हैं वन बाय वन कि मैं क्या शॉप करके लाई थी पेरिस से। सो नाउ लेट्स मूव टू द वीडियो और देखते हैं कि मेरे पास क्या क्या है जो मैं शॉपिंग करके लाई हूँ आपको दिखाने के लिए। तो सबसे जो फर्स्ट आइटम मैंने लिया था ना, वो लिया था एक शोल्डर बैग। ये मैंने लिया था एक ट्रैवल पर्पज के लिए शोल्डर बैग, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है। ये देखिए, ये मैंने लिया था वहाँ से, ये इस तरह से बहुत ही स्पेशियस ब्लैक कलर में बैग है, प्योर लेदर का ये बैग है, बहुत ही मुझे अच्छा ब्यूटीफुल लगा, एलिगेंट सिंपल और स्टाइलिश, और उसके साथ साथ ही प्योर लेदर का है ये, तो इसका जो रिच लुक है इसने मुझे सबसे पहले अट्रैक्ट किया। तो मैंने ये जो अपना फर्स्ट शॉप किया था वो ये किया था, और ये मैंने अपने लिए लिया था। कहीं भी हम ट्रैवल करते हैं ना, तो इसमें काफ़ी सारी जो हमारा एक पूरा किट होता है, ट्रैवल किट होता है अपना, वुमेंस का चीज़ें जो होती है, हमारा मेकअप किट होता है, सब कुछ इसमें आ सकता है। और काफ़ी स्पेशियस ये बैग है, इसमें काफ़ी कंपार्टमेंट्स है जिसमें अपना सामान रख सकती हूँ पूरा। तो मैंने पूरे अपने ट्रैवल में इसको यूज़ किया, सबसे पहले जाते ही ये ले लिया, उसके बाद जहाँ जहाँ गए ना पूरे का पूरा सामान इसमें आ गया, इतना ज़्यादा स्पेशियस है ये बैग। एंड नाउ नंबर टू, इतना स्पेशियस है ये, डेनिम क्लॉथ लुक में बैग है, और इसका ऑरेंज जो कंट्रास्ट है ना, ये बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे, तो मैंने ये भी लिया। ये भी बहुत स्पेशियस है, इसमें भी इतना स्पेस है ना, बहुत ज़्यादा जगह है। और देखिए अभी भी इसमें क्या रखा हुआ है, एफिल टावर के मिनिएचर्स जो हम लेके आए थे वहाँ से, इस तरह से जो एफिल टावर के स्मॉल छोटे छोटे मिनिएचर्स हैं, ये हम लाए थे डेकोरेशन के लिए अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को गिफ्ट करने के लिए, और साथ साथ ही स्मॉल मिनिएचर्स की कीचेंस भी बने होते हैं, वो भी हम लाए थे कीचेंस भी अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को गिफ्ट देने के लिए, ताकि जैसे एक छोटा सा मेमोरी है कि हम गए थे, इसलिए हमने ये सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लिया था। सिर्फ वन बचा है, वो भी इसी में है जिसमें मैं इसको सबको शॉप करके लाई थी, ट्रैवल कर रही थी इसी में। ये बैग भी बहुत स्पेशियस है, बैग्स और लेदर की जो क्वालिटी है ना, वो पेरिस में बहुत ही नंबर वन थी, A1। सारे के सारे जितने भी ब्रांड्स वो आपको वहाँ मिलेंगे, और बिल्कुल ही ओरिजिनल पीसेस मिलेंगे, और इसलिए भी मैंने भी सारे के सारे वहाँ से जितने भी ओरिजिनल मैं उठा सकती थी मैंने बैग्स लिए वहाँ से। चांसेस नहीं है कि ये कहीं से भी खराब हो, क्योंकि ये वॉशेबल भी है, ये डेनिम लुक में क्लॉथ का है, और इसका कॉन्ट्रास्ट इतना अच्छा ना, बहुत ही स्पेशियस है। इसमें मेरा काफ़ी सारा सामान आ गया, जितना भी हम शॉप करते गए इसमें डालते गए काफ़ी चीज़ें इसमें आ गई, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैंने ये लिया। जो थर्ड है ये है थोड़े छोटे बैग, ये है देखिए बिग साइज बैग बहुत हो गए, अब थर्ड जो है वो ये है, छोटा सा स्मॉल हैंड बैग, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, इतना ब्यूटीफुल और एलिगेंट लग रहा था ना, इतना क्लासी लग रहा था ये, और ये कलर मेरे पास था दिन, तो इसलिए मैंने फटाफट से इसको भी ग्रैब कर लिया। ये देखिए, और ये अभी मैंने यूज़ नहीं किया, ये ऐसे का ऐसा पैक ही पैक है, और इसके साथ भी लॉन्ग स्ट्रैप है, इसको हम एज अ हैंड बैग भी कैरी कर सकते हैं, और इसको लॉन्ग स्ट्रैप लगा के शोल्डर बैग भी मैं इसको कन्वर्ट कर सकती हूँ। ये भी बहुत ब्यूटीफुल लगा मुझे, और ये जो कलर है ना, कलर सबसे ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट किया, क्योंकि ब्लैक मेरे पास हो गया था और मैंने क्लॉथ में भी ले लिया था, बट ये जो कलर है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, पैटर्न इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, ये भी है प्योर लेदर में। हाँ, मैंने इसको यूज़ लेने किया क्योंकि ऑलरेडी रेनी सीजन चल रहा है, और रेन में अगर मैं इसको एक दिन भी लेके गई ना, तो बस हो गया इसका काम, ये ख़राब हो जाएगा, इसलिए एज इट इज़ रखा है, मैं वेट कर रही हूँ जब रेन खत्म होंगे तब मैं इसको कैरी करूँगी। सो लेट्स मूव टू द फोर्थ बैग, जो कि है अगेन स्मॉल बैग है, टू स्मॉल और टू बिग साइज़ के मेरे पास बैग बचे हैं, ये प्योर लेदर नहीं है, और ये है स्लिंग बैग। ये देखिए, इसको आप ऐसा हैंड बैग तो नहीं ले सकते, बहुत बिग साइज़ में है, बट इसको स्लिंग बैग ले सकते हैं। ये देखिए, ये है इस तरह से ओपनेबल, ये मिक्स में है, ये प्योर लेदर नहीं है, ये भी पैक का पैक है, इसके अंदर पूरा इसका पैकिंग पड़ा हुआ है, मैंने अभी इसको यूज़ भी नहीं किया है, ये इस तरह से इसमें पैकिंग आया था, मैं आपको निकाल देती हूँ इसका एयर फिल्टर। ये देखिए, इस तरह से पैक था, और ये है इसका स्ट्रैप, ये भी मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, डिफरेंट पीस है, बहुत ही ब्यूटीफुल बैग है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था, और इस तरह से इसमें सीए स्टैंड्स भी दिए हैं, इसको मैंने अभी यूज़ नहीं किया, ये एज इट इज़ रखा हुआ है, किसी को गिफ्ट देने के लिए ही लाए थे ये भी, कि अगर कोई फ्रेंड रिलेटिव होगा तो हो सकता है कि मैं कभी गिव अवे में किसी सब्सक्राइबर को ये बैग देखूँ, तो मेरे पैसे कैसे ही पड़ा है, मैंने भी इसको यूज़ नहीं किया है। सो फ्रेंड्स, ये तो सारे बैग्स जो मैं लेके आई थी, इसमें से काफ़ी और भी बैग लाई थी मैं, 3-4 बैग्स और थे जो थे जिसके लिए थे वो उनके पास पहुँच चुके हैं।
एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इन सब बैग्स के बाद एक और चीज़ मेरे पास बची है क्योंकि ये मैं देने जा ही नहीं पाई, ये है लॉन्ग बूट्स, लॉन्ग शूज़ जो कि मेरी सिस्टर ने मंगाए थे, ये एज ए टीज रखे हैं, जब मैं जा पाऊंगी वहाँ तभी दे पाऊंगी। इस तरह से लॉन्ग बूट ब्लैक कलर में उसने मंगाए थे, लॉन्ग शूज़ ये देखिए, ये पूरे एज इट इज पैक के पैक रखे हैं अभी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के और इतने अच्छे लॉन्ग वहाँ पे शूज़ और बूट्स थे ना, एक से एक डिज़ाइन के और एक से एक पैटर्न के और प्योर लेदर। तो ये लॉन्ग शूज़ जो है ना ये वहाँ पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी मिलती है और प्योर लेदर मिलता है, इसलिए मैंने वहाँ से परचेज़ किया है क्योंकि मुझे ये बहुत ही अच्छे लगे और ये इन भी है, और वैसे भी विंटर आ रहे हैं, विंटर में लॉन्ग शूज़ और ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं। और इन सब गिफ्ट्स के अलावा हम लाए थे वहाँ से ढेर सारी चॉकलेट्स, क्योंकि स्विट्जरलैंड जाओ और चॉकलेट ना लाओ तो हो ही नहीं सकता, इसी चीज़ के लिए वो फेमस है। स्विट्जरलैंड में मिलती है आपको एक से एक टेस्ट की चॉकलेट, बहुत ही टेस्टी और डिफरेंट और बहुत ही यूनिक टेस्ट होता है, और इतनी अच्छी और मिल्क की चॉकलेट्स होती है ना रियल, बिल्कुल वहीं मिलती है स्विट्जरलैंड, इसीलिए फेमस है चॉकलेट्स के लिए। सो फ्रेंड दैट्स ऑल, यही थे सारे गिफ्ट जो मैं लेके आई थी, बैग्स लाई थी, शूज़ लाई थी और फ्रिज मैगनेट्स लाई थी और छोटे मिनिएचर्स लाई थी, एफिल टावर के किचन लाई थी, वो सारे गिफ्ट्स है जो मैंने आपको दिखा दिया, और उसके साथ साथ ही गिफ्ट के लिए लाए थे बहुत सारी चॉकलेट्स। तो बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी शॉपिंग और कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, जुड़े रहिए मेरे साथ क्योंकि अब आती रहेंगी कंटिन्यूस वीडियो, मैं ट्राई करूंगी, स्टिल मैं रिकवर कर रही हूँ बट मैं ट्राई करूंगी कंटिन्यूस वीडियो आए, तो आप इसी तरह मेरे को सपोर्ट करते रहिए और जुड़े रहिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगी आपको कि मैं दुबई से क्या लाई। ये सारी थी मेरी यूरोप की शॉपिंग, अब मैं आपको दिखाऊंगी दुबई से जो मैंने ज्वेलरीज ली थी, ट्राई करूंगी दिखाने की, तो इसलिए आप इसी तरह मुझे अपना प्यार देते रहिए, और जो लॉन्ग गैप हुआ उसके लिए मैं फिर से आपसे सॉरी बोलती हूँ, पर साथ में छोड़िएगा, जुड़े रहिएगा और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर।